वे न्यूनगर आपके साथ मैं आत्मनिर्भर रहा हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। अब नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के बारे में क्या कहते हैं, इसको लेके आम लोगों के मन में काफी सुगबुगाहट है। ये क्या मोदी अगले लॉकडाउन की तैयारियां करवाने वाले हैं, और अगर चौथा लॉकडाउन लगता है तो किस तरह की रियायतें आम आदमी को मिलने वाली है, किस तरह की छूट आम आदमी को मिलेगी, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी और किस तरह से आगे का मंजर रहेगा, ये देखने वाली बात। कई कयास लगाए जा रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी इस बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हैं या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्रियों के संग कल जो बैठक हुई उस दौरान मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, राज्यों से उन्होंने एग्जिट प्लान भी मांगा है। हालांकि कई राज्य अभी लॉकडाउन नहीं हटाना चाहते। वैसे देखा जाए तो लॉकडाउन होकर भी नहीं है पूरे देश में, हर राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जन पलायन हो रहा है, बेतहाशा हो रहा है। सरकार ने पहले कहा कि जो जहां है वो वही रहे, सरकार उनके सारे इंतजाम करेगी, मगर इसके बावजूद डरे सहमे घर में बैठे लोगों के लिए भोजन आदि की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई। ना तो राज्य सरकारें अपने यहाँ फंसे लोगों के लिए समुचित भोजन पानी की व्यवस्था कर सकी और ना ही उन्हें सुरक्षित वापस घर भिजवाने की। 40 दिन तक उनकी जब किसी ने सुध नहीं ली तो प्रवासियों ने मजबूरी में पैदल ही गांव जाने का तय किया। भूखे प्यासे प्रवासी पुलिस के डंडे खाकर भी रात को अंधेरे में छुपते छुपाते चोरों की तरह 8-8 गुना किराया देकर भी अपने घरों तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। जहां ये देखकर सरकारों ने भी आखिर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की ऐसी तैसी करते हुए बसें और ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया, पर इनमें यात्रा करना भी शायद अमीरों की पहुंच में ही है, एक गरीब आदमी तो कर नहीं सकता। यदि आपातकाल में कोई भी सरकार टैक्स चुकाने वाले आमजन के लिए मुफ्त खाना और घर जाने तक की भी व्यवस्था ना कर पाए तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। पर दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब बैकफुट पर आ चुकी हैं। हिंदुस्तान की केंद्र और राज्य सरकारों को राजनेताओं ने विभिन्न भत्तों और खर्चे ले लेकर इतना गरीब कर दिया है कि लॉकडाउन के कुछ ही दिनों में सारी सरकारें घुटनों के बल आ गईं और अब देश और देशवासी दोनों ही अर्थव्यवस्था फटेहाल होने वाली है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सभी को उम्मीद है कि सभी वर्गों की आर्थिक स्थिति को गति देने वाले ऐलान किए जाएंगे। बंधुए काम धंधे वापस चालू करना सभी के लिए अनिवार्य है। अपेक्षित है कि सरकार अब धीरे धीरे आबाद हो रहे गांव में ही सभी लोगों को शीघ्र रोजगार के लिए मदद करे। लोग खलियात हो चुके हैं, उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि उनका दृढ़ विश्वास है कि लॉकडाउन के पहले चरण में जिन नियमों की दरकार थी वो दूसरे चरण में नहीं रहे, जिन नियमों की दूसरे में जरूरत थी उसकी तीसरे में नहीं रही और ठीक उसी तरह चौथे चरण में भी तीसरे नियम चरण के नियमों में जरूरत ना हो। संक्रमण की दर को कम करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश को कोरोना वायरस के प्रकोप का पूर्णतम चेहरा ना देखना पड़े और साथ ही अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। और इसके साथ ही इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।